हाय मेरे दोस्तों, मैं राधेश्याम जायसवाल आज एक नए चैनल बनाया हूँ जिसका नाम है आरएस ट्यूटोरियल 82। इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। इस चैनल पर डेली क्लास होगा, 8, 9, 10th का मैथ डेली टाइम टू टाइम चलेगा, ठीक है। उसके लिए मैं टाइम टेबल अलग से डाल दूंगा, आप लोग अगला वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आज हम आप लोगों को 10th क्लास का त्रिकोणमिति कैसे बनता है उसके लिए कुछ फॉर्मूले बता रहे हैं, ठीक है। रटना नहीं है, इसको सीखना है कैसे होगा। इस चैनल पर विश्वास कीजिए और डेली क्लास चलेगा, डेली इसको देखिए और बहुत अच्छा लगेगा आपको। हम विश्वास दे रहे हैं, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को, मेरे ऊपर एक विश्वास करके देखिए। तो आइए हम लोग आप लोगों को समझा रहे हैं। सबसे पहले त्रिकोणमिति का बेस फॉर्मूला, सबसे पहले एक डायग्राम बना लेंगे। इस तरह से कुछ इस तरह से डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। इस डायग्राम यहां पर लिखेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। और यहां पर लिखेंगे साइन, यहाँ कोण ए। हम कोण इस वीडियो पे हम यही सिखा रहे हैं कि कोण कैसे निकाला जाता है त्रिकोणमिति में। साइन 30 का मान कितना होगा, साइन 60 का मान कितना होगा, अदरवाइज साइन यहाँ कॉस टाइम कॉट सेक और कोसाइन, ठीक। इतना तो समझ में आया, कुछ करना नहीं, इस तरह से डायग्राम बना लेंगे। अब चलते हैं हम कैसे निकालते हैं इसको। रटना नहीं एकदम, साइन 30 का मान कितना हुआ रटा जाता है, रटना नहीं है, आप समझना है, ठीक है। बेसिस से अगर कभी भूल गए तो अपने से भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 0 लिख देंगे, तीन की संख्या 1, 2, 3 और 4, ठीक है। 0 से चालू करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, कितना है 4 है, 4 है तो 4 से भाग दे देंगे। समय क्या करेंगे, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, समय 4 से भाग दे देंगे। अब 4 से भाग देने के बाद सबका रूट कर देंगे, सबका क्या करेंगे रूट करेंगे। रूट करने के बाद इसको सरल करेंगे, तो देखिए 0 में 4 से भाग देंगे 0 और 0 का वर्गमूल होगा 0, ठीक है। तो देखिए साइन 0 डिग्री का मान आ गया हमारा 0, तो कोई नहीं रटना है। साइन 0 डिग्री का मान बैठाना होगा, क्या बैठाएंगे 0, ठीक है। उसी तरह इसको सरल करेंगे तो 1/4 तो 1 का वर्गमूल 1 होगा और 4 का वर्गमूल 2 होगा, ठीक है। अब इसको सरल करेंगे तो 2 से 4 कट गया, कितने बन गए 2 बन गए, यानी 1/2 रूट में आएंगे, ठीक है। तो ये लिखा 1/2, ठीक है। और उसके बाद 1 का वर्गमूल 1 होगा और 2 का वर्गमूल, ठीक है, समझा ना।
जैसे कि दो बटा में चार है तो दो से चार काट दे दो बार में, तो ऊपर एक बचा नीचे का बचा दो, उसका रूट स्क्वायर ही है स्क्वायर आ जाएगा। अब वन का वर्गमूल निकाल दे वन और दो का वर्गमूल निकाल देंगे अब देखिए इसको, तीन का वर्गमूल निकालेंगे रूट तीन और चार का वर्गमूल निकालेंगे एक काट के चार से चार कटेगा वन और वन का वर्गमूल कितना, ठीक है क्लियर। देखिए दो हो गया साइन, कोई पूछा साइन जीरो डिग्री का मान जीरो बैठा देंगे, साइन तीस डिग्री का मान एक बटा में दो बैठा देंगे, साइन पैंतालीस डिग्री का मान क्या होता है एक बटा में दो बैठा देंगे, साइन साठ डिग्री का मान कितना होता है तीन बटा में दो और साइन नब्बे डिग्री का मान कितना होता है, ठीक है कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब देखिए साइन का मान निकल गया, मेन साइन है, साइन निकल गया तो बाकी सब फॉर्मूला अपने आप निकल जाएगा, ठीक है उसके लिए छोटा सा ट्रिक है, ट्रिक को बता रहा है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए जैसे साइन निकल गया, अगर साइन याद भी हो गया चाहे नहीं भी याद है तो इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए साइन जब निकल गया तो कॉस निकलना है तो कॉस उल्टा होता है, जैसे साइन जो नब्बे का मान है कॉस जीरो का हो जाएगा, साइन जो साठ का मान है कॉस तीस का हो जाएगा, साइन पैंतालीस का मान है कॉस पैंतालीस, साइन तीस वाला मान चल जाएगा कॉस साठ में और साइन जीरो वाला मान चल जाएगा कॉस नब्बे डिग्री, ठीक है। उसी तरह देखिए साइन नब्बे वाला आ जाएगा इधर वन हो गया, साठ आ जाएगा रूट तीन बटा में टू हो गया, वन बटा में रूट दो हो गया, एक बटा में दो एक बटा में दो और जीरो बच गई, कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम साइन का मान निकाल दें तो कॉस का मान ऑटोमेटिक हम लोग अपने आप निकाल सकते हैं। अब सुनिए अब रह गया टर्न, तो देखिए टर्न के लिए एक फॉर्मूला होता है कि टर्न थीटा बराबर तो होता है साइन थीटा बटा में कॉस, ये फॉर्मूला होता है। तो कभी भी टाइम थीटा का मान निकालना तो साइन ऊपर बटा में नीचे कॉस का मान बैठा देंगे। देखिए जैसे टाइम का मान निकालना तो साइन ऊपर बटा में कॉस, यानी साइन बटा में कॉस करें तो जीरो बटा में एक, क्या आएगा हमारा जीरो बटा में एक, तो जीरो में और एक के लिए भाग दें किस तरह, जीरो में एक में भाग देंगे कितना बार में कर देना जीरो बार में जीरो, ठीक है तो कितना बार जीरो, यानी कहने का मतलब है कि साइन बटा में कॉस करेंगे जीरो बटा में एक करेंगे तो कितना होगा जीरो, ठीक है कोई दिक्कत। उसी तरह यहाँ पर देखिए एक बटा दो ले रूट तीन बटा में दो भाग देंगे तो देखिए दो ले दो कट गया तो बचा ऊपर हमारा एक और नीचे बच गया हमारा रूट तीन, यानी एक बटा में रूट तीन, ये हो गया टाइम स्क्वायर का। उस तरह पैंतालीस का निकालो तो एक बटा रूट दो ले एक बटा रूट दो में भाग देंगे कितना होगा एक, यहाँ भाग देंगे देखिए तो दो ले दो कट गया तो बचा रूट तीन बटा में वन, इसका मान हो गया रूट तीन, और वन बटा जीरो में भाग देंगे तो वन बटा में जीरो भाग देंगे तो कभी भी कटेगा नहीं, तो इसको हम लोग अपरिभाषित करते हैं, अपरिभाषित यानी इनफिनिटा इनफिनिटी का चिन्ह होता है, ठीक है। अब सुनिए टैन निकल गया तो कॉट निकाला तो जैसे यहाँ साइन से कॉस निकाला उसी तरह टैन से कॉट निकाल देंगे, ठीक है एकदम उलाट देंगे, जैसे टैन नब्बे डिग्री का जो मान है वही हो जाएगा कॉस हमारा जीरो डिग्री का, रूट तीन साठ है जैसे टैन साठ का मान जो है कॉस हमारा तीस कर देगा रूट तीन हो गया, पैंतालीस कैसे बनाएगा एक बटा में रूट तीन हो जाएगा और जो टैन जीरो डिग्री का मान है वो कॉस हो जाएगा नब्बे डिग्री का, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे सेक का मान निकालना, तो सेक उल्टा होता है कॉस के, सेक उल्टा होता है कॉस का तो कॉस को केवल उल्टा कर देना कुछ हेल्प करने की जरूरत नहीं, जैसे कॉस है तो कॉस वन है तो सेक का मान निकालना तो वन बटा में वन यानी वन हो जाएगा, ठीक है जैसे ये कॉस कॉस देखिए तीस डिग्री का मान है रूट तीन बटा में दो और सेक का निकालना तो केवल इसके अंश वाला को हर में हर वाला को अंश में, यानी इसको पलटेंगे तो दो बटा में कितना हो जाएगा रूट, ठीक है वन बटा में रूट दो है जिसको पलटेंगे तो रूट दो हो जाएगा, एक बटा में दो है तो दो हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे जीरो जीरो का कोई पूछेगा उल्टा तो देखिए सबसे पहले जीरो और बटा में पूछना तो पर में संख्या नहीं होती, इसको पलटेंगे तो एक बटा में जीरो, जब इसको भाग देंगे एक में जीरो से तो कभी भी नहीं कटेगा, इसीलिए इसको हम लोग अपरिभाषित कहा जाता है। अब सुनिए जैसे कॉस है कॉस का मान निकाला तो कॉस किसका उल्टा होता है साइन का, इसका साइन का
तो साइन के जितना मान लीजिए उलट दीजिए तो साइन जीरो, तो जीरो का उल्टा होता है अपरिभाषित, ठीक है। अब देख एक बटा में तू इसको पलटेंगे यानी अंश वाला हर में, हर वाला अंश में, तो एक बटा में तू है तो दो बटा में एक हो जाएगा, दो बटा में कितना होगा एक, इसको लिखा जाता है दो। जैसे यहाँ पर जैसे हमको कोसेक 45 का मान निकालना है तो साइन 45 का उल्टा कीजिए, एक बटा में रूट है तो पलटेंगे उल्टा करेंगे तो दो हो जाएगा, रूट तीन बटा में दो उल्टा करेंगे तो दो बटा में रूट तीन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ वन है तो वन को उल्टा करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, आया समझ में। बहुत आसान है, इसको रटने की कोई जरूरत नहीं, एकदम ट्यूशन की तरह चलेगा, ऑफलाइन पढ़िए चाहे ऑनलाइन। आज से मेरा ऑनलाइन का नया भाई चालू हुआ यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है आरएस ट्यूटोरियल 82, इस नाम को सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर तो आएगा। इसको लाइक को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ये क्लास अब डेली चलने वाला है, ठीक है। एक बार फिर रिविजन करा देते हैं, देखिए जैसे कि हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 0 लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे और 4 लिख लेंगे, और लास्ट में हमारे क्या 4 है तो 4 से सब भाग दे देंगे। तो 0 बटा में 4 किए, 1 बटा में 4 हो गया, 2 बटा में 4 हो गया, 3 बटा में 4 हो गया, 4 बटा में क्या हो गया, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट यानी कि हिंदी में उसको वर्गमूल बोला जाता है, तो स्क्वायर रूट कर दिया सब में, ठीक है। अब उसको क्या करेंगे, सरल करेंगे तो 0 में 4 से भाग देंगे तो 0 होगा, 0 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो क्या यानी भी 0 होगा, तो क्या हमारा साइन 0 डिग्री का मान कितना हो गया 0, ठीक है। उसी तरह 1 बटा में 4 है तो 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 होगा, 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 होगा, ठीक है। तो 1 बटा में 2 मान लिया हमारा साइन किस का 30 डिग्री, ठीक है। उसी तरह 45 डिग्री का निकालना तो देखिए 2 बटा में 4 है तो सरल करेंगे तो 2 से 4 कट गया, 2 बटे 1 बटा में 2 बचा रूट, ठीक है। अब 1 का वर्गमूल निकालेंगे 1 और 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो रूट 3 बटा में 4 है तो 3 का वर्गमूल रूट 3 होगा, 4 का वर्गमूल कितना होगा, ठीक है। 4 बाई 4 है तो 4 बाई 4 को भाग देंगे तो 1 होगा, 1 का इसको रूट करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, इन 1 का वर्गमूल 1। कंप्लीट साइड का सभी मान निकल गया, और कॉस का निकलना है उसको एकदम ऑपोजिट कर देना, जैसे साइड 90 में था कॉस 0 का हो गया, रूट 3 यहाँ पर 60 डिग्री में था 30 में आ जाएगा, 45 वाला 45 में एकदम उल्टा इस तरह से, ठीक है। अब टाइम का निकालना हो तो साइन बटा में कॉस, एक साइन में और कॉस में भाग दें तो 0 में 1 में भाग देंगे तो 0 हो गया, 1 बटा रूट 2 में रूट 3 बटा रूट 2 भाग देंगे तो 2 ले 2 कट गया, रूट 3 बटा में 1 बचा, रूट 3 हो गया, 1 में 0 में भाग देंगे अपरिभाषित हो गया। अब कॉट का निकालना तो जैसे ये टाइम याद है तो कॉट का निकालना एकदम ऑपोजिट होता, 90 वाला आ जाएगा 0 में, 60 होगा जाएगा 30 में, 45 होगा 45 में, 30 होगा चल जाएगा 60 में, 0 होगा चल जाएगा। सेक का निकला तो सेक होता है कॉस का उल्टा, देखिए कॉस का उल्टा होता है तो कॉस को एकदम पलट दिया यानी ऑन सोला हर वाला ऑन, तो 1 1 पलटेंगे तो 1 होगा, रूट 3 बाई 2 है इसको पलटेंगे तो 2 बटा रूट 3 होगा, 1 बटा रूट 2 है तो रूट 2 हो जाएगा, 1 बाई 2 है तो 2 हो जाएगा, 0 का उल्टा अपरिभाषित। उसी तरह कॉस है तो कॉस से किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, देखिए साइन साइन 0 डिग्री का मान 0 है और कॉस से 0 डिग्री का मान अपरिभाषित, क्योंकि 0 का उल्टा क्या होता है अपरिभाषित, 1 बटा रूट 2 का क्या उल्टा है 2, ठीक है, यानी 1 बटा 2 का उल्टा होता है रूट 2, 1 बटा में रूट 2 का उल्टा होता है रूट 2, रूट 3 बटा में 2 का 2 बटा में रूट 3 और 1 का उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फिर कल मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, थैंक यू धन्यवाद।